अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का सेकंड वेव का, तो डेटा बहुत सिमिलर है और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है, और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा। कई दफ़ा हम ये कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ पैंडेमिक ऑफ चिल्ड्रन एंड यंगर एज ग्रुप, कि बच्चों में सीरियस केसेस नहीं हुए, बच्चों में इतना इन्फेक्शन नहीं हुआ, और ये बात सही है, बच्चों में माइल्ड इन्फेक्शन है, बच्चों में इतना सीरियस इन्फेक्शन या एडमिशन का डेटा नहीं है, चाहे हम फर्स्ट वेव की बात करें चाहे सेकेंड वेव की। लेकिन बच्चों में या यंग एडल्ट्स में कोलैटरल डैमेज बहुत हुआ है। दे आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो जेंडर गैप इन एजुकेशन, स्ट्रेस एंड मेंटल इश्यूज इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, स्मार्टफोन डिपेंडेंस एंड एडिक्शन, इंटरप्टेड अपॉर्चुनिटीज, बच्चों में कुछ एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज थी, पढ़ाई आगे करना चाह रहे थे, सही सब चीज़ें जो है काफ़ी हद तक इंटरप्ट हुई हैं। चैलेंजेस फॉर स्कूलिंग, स्पेशली जो टेक सेवी नहीं है, रूरल इंडिया में लोग हैं, उनकी स्कूलिंग में काफ़ी असर पड़ा है, और न्यूट्रिशनल इश्यूज भी है, और विमेन में, यंग गर्ल्स में पोस्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन के इश्यूज भी हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हम सब एज सोसाइटी, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, अगर इफ ऑल ऑफ अस कैन कम टुगेदर एंड एड्रेस दीज इश्यूज, लुक एट देम एज चैलेंजेस एंड फॉर्म हेल्प ग्रुप्स, चाहे सोसाइटीज में हो, चाहे स्कूल्स में हो, चाहे और ग्रुप्स में हो, दैट विल रियली हेल्प अस टू डिवेलप एंड सपोर्ट आर यंग चिल्ड्रन एंड दी अदर पीपल ऑल्सो। अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का सेकेंड वेव का, तो डेटा बहुत सिमिलर है और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है, और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा। और ये इसलिए, जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है, और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ये एक हाइपोथेसिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है। लेकिन अभी तक जो डेटा है दोनों वेव्स का, उसमें बच्चों में ये कम पाया गया, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बच्चों में आगे जाके पाया जाएगा, आगे सीवियर इन्फेक्शन होगा या ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। जिन लोगों ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है, वो उनका ये कहना है क्योंकि बच्चों में अभी तक हुआ नहीं है इन्फेक्शन, वो प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अगले वेव में शायद उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है प्रोपोर्शनली। लेकिन इसमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन होगा या उनको ज़्यादा केसेस उसके आगे वाले वेव में पाए जाएंगे।